स्थानीय पीजी कॉलेज में आयोजित किया गया विशाल जिला स्तरीय कैरियर अवसर मेला। यह मेला 12 और 13 फरवरी को चलेगा, जिसके उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर भास्कर लक्षकार एवं जिला एसपी राहुल लोढ़ा मौजूद रहे। वहीं इस रोजगार मेले के संबंध में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। युवा पीढ़ी इस गलत फहमी में है कि पढ़ लिख कर केवल हमें सरकारी नौकरी मिले। हमारे पूर्वज कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम मान अधम चाकरी भीखने दानों से भी परिचित कराया जाएगा। अब इस चरण में अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में मैं कुछ खुद का काम बिजनेस शुरू करना चाह रहे होंगे, कुछ अपने पिताजी के बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, कुछ किसी अन्य प्रकार का काम करना चाह रहे होंगे। आइसोलेशन में पढ़ते रहने का कोई बहुत ज्यादा लाभ अनुभवजन्य बात है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी लर्निंग्स को शेयर करें। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म इस कॉलेज में डेवलप करें। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है तो बहुत बधाई के पात्र, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें वैसा प्लेटफॉर्म एक डेवलप करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ये जो बाहर करियर मेला लगा हुआ है, इस करियर मेला में आप लोग स्टॉल पर जाएं, उनसे बात करें, पूछें। प्रत्येक जो 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 नियोक्ता होता है या जो कंपनी होती है उसकी कुछ डिमांड होती है, वो किसी पर्टिकुलर तरीके का स्किल सेट वो लोग आप में चाह रहे हैं। नमस्कार, और ये रोजगार मेला मेले में आए हुए सभी युवा वर्ग, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा कलेक्टर साहब ने बताया हुआ है कि एक इस तरीके का ग्रुप स्कूल में डेवलप करेंगे, इस पीजी कॉलेज में डेवलप करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये एक उम्र होती है हमारी, जिस उम्र में जो है वो तो हम आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं, इसके लिए ये पूरा एक जो 20 साल से लेकर 30 साल का जो होता है ना एरिया, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, जो हमने आज तक पढ़ा लिखा है, जो अब तक आज तक हम लोगों ने ज्ञानार्जन किया है, और जो हमारे स्किल्स हैं उसके आधार पे हम अपने नए भविष्य की नींव जो है वो उसको बनाने जाने वाले होते हैं। उसके लिए चाहिए होती है अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इस मेला रोजगार के जो रोजगार मेला है उसके जरिए देने का प्रयास किया जा रहा है, और जो पिछले कई सालों से दिया जा रहा है, जो मेरी जानकारी में अभी आया भी, तो इसका पूरा आप उपयोग करिए। मगर जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने, प्राचार्य ने अभी इसमें वक्त में बताया भी कि अगर मान लीजिए कि पहले ही प्रयास में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो उससे निराशा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी अपयश आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आप जब स्कूल में पढ़ रहे हो तब हो, चाहे वो आप रोजगार के लिए बाहर जा रहे हो तब हो, चाहे अपने वैयक्तिक जीवन में हो, चाहे अपने व्यावसायिक जीवन में हो, मगर अपयश को दिल पे लेके और उससे जो है वो पीछे नहीं हटना है।